मामले में आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर मामले में कहा हमने उनके तरीकों पर अमल, वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, फरमाया तुम एक साथ बढ़ा लिया करो, 9 का रख लो या 11 को रख लो। बल्कि यहाँ तक के सही मुस्लिम में मौजूद है, यहूदियों ने कहना शुरू कर दिया था कि नबी करीम तो हर मामले में हमारी मुखालफत करना पसंद करते हैं, ये तो हर मामले में अलग चलते। क्यों? हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी तहजीब है, हमारा अपना तमद्दुन है, हम उस दीन के मानने वाले हैं जो ये भी बताता है सलाम कैसे लेनी है, और ये भी बताता है कितनी दफ़ा लेनी है, और ये भी कहता है दरवाजे पे जाना है तो दरवाज़ा खटखटा के दरवाजे के सामने नहीं खड़ा होना, थोड़ा सा हट के खड़ा होना है, और ये भी कहता है कि किसी के घर जाना है तो दरवाजे में कोई सुराख हो तो अंदर नहीं झाँकना, और ये भी बतलाता है कि 3 दफ़ा से ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खटखटाना, ना खुले तो लौट आओ। जो दीन एक एक बात खोल कर बयान करे, जो ये भी बताए रोटी कमानी कहाँ से है, ये भी बताए खाने से पहले हाथ भी धो लेना, ये भी बताए बैठ के खाना, ये भी बताए कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना, ये भी कहे ज़रा चबा चबा के खाना, और ये भी बताए कि काफिर और मुनाफिक 7 आंतों से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तुमने 1 आंत से खाना है। जो खाने का तरीका भी बताए, सोने का भी बताए, किसी से मुलाकात का भी बताए, जो किसी का इंतकाल हो जाए तो तदफीन करनी है ये भी बताए, और लोग छोड़ के आ जाएंगे तो कब्र में क्या होगा, कब्र से उठेंगे तो क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा, महशर में मीज़ान कैसे लगेगा, पुल सिरात कैसे लगेगी, हिसाब कैसे होगा, अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे तो सवाल क्या होंगे, जवाब क्या देने चाहिए। जो ये भी बताए कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत में अदल कैसे करेगा, और ये भी बताए कि अपने बंदों पर फजल कैसे करेगा। जो दीन ये भी बतलाए कि कयामत वाले दिन जब गुनाहगार मैदान महशर में परेशान होंगे तो एक काली जुल्फों वाले महबूब आके सिफारिश भी करेंगे, उनकी सिफारिश मानी भी जाएगी, उनके कहने से गुनाहगारों को छोड़ा भी जाएगा। फिर ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, जो बताए कि जब जन्नत में चले जाएंगे तो कामयाबी होगी, तो जो बच्चे के कान में आजान देने से लेकर गुट्टी देने से लेकर जन्नत में जाने तक का सारा तरीका जो दीन बताए, पर उस दीन के मानने वालों को इधर उधर जाने की दीन इजाजत देता है? हर चीज तुम्हें घर में बताई है, फिर थोड़ा सा उधर से उधार, थोड़ा सा इधर से उधार, जो फैशन रात को देख लिया टीवी पे सवेरे कर लिया, जो नया स्टाइल आया वो चल गया, जो नया फैशन आया वो, आपने नाराज नहीं होना। वैसे मैंने इतने कच्चे ख्यालात के लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ये फैशन जब आया था सबसे पहले मैंने बनाया था। क्या कौम है, क्या तबसरा है, कहाँ जीतना चाहती है? ये पाजामा जो आज ये सारी दुनिया आज पहन रही है, इस शहर में सबसे पहले मैंने पहना था। जीत गए भाई, जीत गए, आपका इनाम बनता है, गोल्ड मेडल आपको मिलना चाहिए, इतना बड़ा कारनामा, सबसे पहले फैशन आपने किया, कमाल हो गई, हद हो गई। सबसे पहले जनाब ये जो चीज़ आज सबके पास है, ये सबसे पहले, इस मॉडल का मोबाइल सबसे पहले मैंने लिया था, बिल्कुल बिल्कुल आपका पहला नंबर बनता है, आप जीत गए। खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो, मुसलमान इन चीज़ों में उलझ कर जिंदगी नहीं गुजारता, उसकी चाहतें कुछ और हैं, उसके अंदाज कुछ और हैं, वो मिट्टी में मिल के और घोड़े पे बैठ के और घोड़े की टापों की आवाज़ सुन के, वल आदियाति दबहन फल मूरियाति कदहन फल मुगीराति सुबहन फासरना भी नकअन फवसतना भी जमा, रब कहता है मुझे कसम हो उन घोड़ों की जिन पर सवार होकर मेरे महबूब के सहाबा मैदानों में निकलते हैं। ये शान है मुसलमान की, उसमें अंदर वलवला होता है, उसके रंग कुछ और होते हैं, उसके अंदाज कुछ और होते हैं, वो मजमे देखकर परेशान नहीं हो जाता, उसको नई गाड़ी मिल गई तो इसे वो कामयाबी नहीं जानता, वो तो कहता है कामयाबी तो तब मिलेगी जब मदीने वाले मुस्कुरा के मिलेंगे, जब सुबह कयामत करीम कहेंगे आ जा मैं तुझसे राजी हूँ। ये कामयाबी है, ये असल दर्जा है, जब सुबह कयामत रब कहेगा कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है,
ये काम